हरशिव रेडी है जाने के लिए, है ना हरशिव? नदी का वो देखो, कहाँ आना है आपको? कहाँ आना है? कहीं नहीं जा रही हूँ बेटा। उसको अच्छा लगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर इंडियन विला चैनल, एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बजे है 10:30 और मैं और हरशिव, देखो आज हरशिव बहुत जल्दी उठा नहीं था, है ना? 7:30 को उठा था। हरशिव राधे राधे करो बेटा, हरशिव राधे राधे करो, हरशिव राधे राधे। बेटा इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे हो आया आया आ? नहीं खाना आपको? नहीं खाना या खाना है आपको? मम खाना है? तो अभी वो खेलने के मूड में है और हमारी हो चुकी है मॉर्निंग। मैंने बात ले लिया है, हर्षिव ने भी बात ले लिया है। हाँ, हर्षिव की मसाज हो गई है, अभी देखो इसे आना है। इसको ऐसे पता चल रहा है कि मैं जैसे जा रही हूँ। कहाँ आना है आपको? कहाँ आना है? कहीं नहीं जा रही हूँ बेटा, यही हूँ यही हूँ। हाँ यही हूँ मैं, यही हूँ। हाँ देखो यही हूँ। और काफी लोग लाइक पूछ रहे थे मुझे कि बेटा ऐसे नहीं करते, बाल नहीं खींचते, कि आप बेबी और घर और लाइक जॉब करते हो कि नहीं, और सब कुछ आप कैसे संभालते हो, ये सब आप सभी लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे। तो हाँ, मैं जॉब करती हूँ, लेकिन अभी मैं मैटरनिटी लीव पर हूँ। तो अभी मैं लाइक 1 ईयर तक मैटरनिटी लीव पर हूँ। तो मैं 2 महीने बाद जब हर्षी 1 ईयर का होगा तब मैं स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं सिर्फ घर पर ही हूँ, और घर और हर्षी दोनों को मैनेज करना हार्ड होता है, लेकिन कर लेती हूँ। जब वो सोता है तो मैं धीरे धीरे ऐसे लाइक सोता है तब फटाफट से काम कर लेती हूँ। ऐसे होता है कि कभी कभी नहाने जाती हूँ और फटाफट से मुझे बाहर निकलना पड़ता है। तो हार्ड होता है, लेकिन अभी मैनेज करना सीख रही हूँ। पहले मेरी मम्मी यहाँ पे थी तो थोड़ा इजी था, लेकिन अभी नहीं है तो थोड़ा हार्ड हो रहा है, लेकिन हो जाता है, कर लेती हूँ। ऐसे शाम को खाना बनाना होता है तो मैं ऐसे करती हूँ कि जब छुट्टियाँ होती है ना, जुगल की जब छुट्टी होती है, डे ऑफ होता है, तब मैं ऐसे सारा प्रिपरेशन करके रखती हूँ। जैसे कि सब्जियाँ सारी लाइक अच्छे से समेट कर रख देती हूँ, फिर ग्रीन चिली की पेस्ट बना कर रख देती हूँ, फिर गार्लिक को छील कर रख देती हूँ, फिर जिंजर को भी छील कर रख देती हूँ, ताकि वो मुझे लाइक एंड मोमेंट पर ऐसे फटाफट से काम हो जाए। ऐसे दाल चावल है तो उसको मिक्स करके रख देती हूँ, ताकि मुझे खिचड़ी बनानी हो तो मैं फटाफट से वो एक एक मिनट जो एक एक सेकेंड होती है ना, वो सब मैं ऐसे लाइक वो सभी ऐसे मैं सेव करती हूँ कि जब वो जुगल की छुट्टी होती है तो मैं ध्यान रखती हूँ कि लाइक सारा कुछ ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं उसी टाइम पर कर लूँ। और जो मुझे लाइक डीप क्लीनिंग करनी होती है वो सब भी मैं जुगल की छुट्टी में ही कर लेती हूँ। तो अभी हम खेल रहे हैं ना बेटा, और फिर हम जब 4 दिन घर पे होते हैं तब वो मैं हर्षिव के साथ ही ज़्यादा टाइम तक रहती हूँ, क्योंकि ये लाइक नहीं करता है अकेले खेलना, तो इसीलिए हम फिर खेलते रहते हैं, है ना? फिर मैं खाना बनाती हूँ, मम्मा खाना बनाती है हर्षिव के लिए, है ना? तो यह ऐसे मैं करती हूँ सब कुछ मैनेज। और मैं दिखाऊंगी भी, अभी वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि मैं हर्षिव के साथ कैसे मैनेज करती हूँ। तो बस बने रहिए मेरे। देखिए देखिए हमारा राजा बेटा कैसे खा रहा है। तो इसके लिए मैंने बनाया अच्छा परोठा और आम का रस निकाला है, और लच्छा परोठा बनाया है जो एकदम क्रिप लाइक ऐसे बहुत सॉफ्ट होता है। लच्छा परोठा आप जो बनाते हो वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो लाइक चबाने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये परोठा बनाया है और आम रस, लेकिन बंदे को खाने में बहुत नाटक है, बहुत नाटक है, बहुत ज़्यादा ही नाटक है। देखो कैसे सब कुछ बिगाड़ रखा है ना? यह इतना अच्छा खाना अभी खाना नहीं है, ऐसा है ना? देखो केरी की चीर भी मैंने उसको दी थी, एक आम की चीर, तो वो उससे खेलता है तभी वो थोड़ा सा खाता है। और आज वेदर देखो बहुत अच्छा वेदर है, बहुत मीन्स बहुत ज्यादा ही अच्छा वेदर है आज। तो हम जाएंगे झूला झूलने के लिए, है ना? क्या गाइस, हर्षिव तुम्हें खाना है? मम खाना है? मम खाऊ चे?
के ना दिखाऊ ना दिखाऊ। देखो क्यों नहीं खाना है आपको, ना दिखाऊ ना दिखाऊ। मामा ना दिखाऊ के खाऊ जे ना दिखाऊ। देखो ये सब चीजों के लिए मना ही करता है कि खाना खाना है आपको, तो बोलता है कि नहीं नहीं खाना है खाना, ये लो नाती खाऊ। देखिए गाइस, मैंने अपने लिए जुवार की रोटी बनाई है और मैंने आटा भी लगा दिया है, बिकॉज मैंने हर्षिव के लिए पराठा बनाया था, तो फिर मैंने सोचा कि आटा लगा दिया है। और आज मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल, बिकॉज हमारे वहाँ आम है, तो आम के साथ कुछ ऐसा ड्राई सब्जी अच्छी लगती है, तो मैं सूखी चना की दाल बनाने वाली हूँ। और इसमें देखो मैंने स्प्राउट भी लगा दी है, एवरी डे के लिए हम कुछ ना कुछ मैं स्प्राउट लगा देती हूँ। तो ये देखिए गाइस, आज वेदर बहुत अच्छे होने की वजह से आज मैंने कपड़े सारे गार्डन में सुखा दिए हैं। आज मैंने मशीन किया था तो सोचा कि गार्डन में कपड़े सुखा देती हूँ। और मेरे पौधे भी देखो, गुलाब के रोज सब को पौधे भी लाइक खिल गए हैं, तो अभी गुलाब आना शुरू हो जाएंगे। हर्षिव का नया बाउंसर जो नया नया था, तब तक 2 दिन तक उसने इंजॉय किया, उसके बाद वो अभी सिर्फ 5-10 मिनट ही इसमें लाइक करता है, उसके बाद नहीं करता है। ये जुगल के लिए प्रोटीन बार लाई थी जो चिप्स और ओट्स से बनी हुई है, नॉर्मली मैं घर पे बनाती हूँ, ये मैं कोस्को से लेकर आई थी किंगलैंड की। ये देखिए गाइस, हर्षिव रेडी है जाने के लिए, है ना हर्षिव? हाँ, हर्षिव ने आज नए शूज पहने हैं जो उसके मामा ने उसको इंडिया में गिफ्ट किए थे, है ना हर्षिव? कहाँ जाना है हमें, घूमने जाना है घूमने। वेदर की वजह से हम बाहर निकले हैं, वैसे तो बच्चे यहाँ पे घर पे ही रहते हैं, क्योंकि वेदर खराब होता है तो फिर ठंड लग जाती है, उस वजह से हम घर पे ही रहना पड़ता है हमें। तो जब भी वेदर अच्छा होता है तो हम ट्राई करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, मैं नहीं, अभी हर्षिव तो छोटा है, लेकिन सभी लोग यहाँ पर लाइक पेरेंट्स है वो ट्राई करते हैं कि जब वेदर अच्छा हो तो सारे बच्चे को गार्डन में ऐसे बाहर एक्टिविटी के लिए ऐसे बाहर ले जाए, दूसरे बच्चों के साथ भी उसको लाइक मिलने दे और खेलने दे, ऐसे सभी पेरेंट्स यहाँ पर ये ही लाइक करते हैं। तो अभी हम भी जा रहे हैं, है ना, अभी आफ्टरनून हुआ है तो मैंने सोचा कि अभी ले जाती हूँ इसको और फिर इवनिंग में भी हम जाएंगे खाना खाने के बाद। तो इसी बहाने मेरी भी वॉक हो जाती है और हर्षिव को भी, हर्षिव की भी एक्टिविटी हो जाती है, है ना? हर्षिव भी बहुत लाइक करता है। हर्षिव यहाँ पे देखो बेटा, उसने अभी सीख लिया है, वो भी पापा पापा ऐसे बाबा बाबा करके पापा बोलता है, मामा नहीं बोलता है, यही होता है। हर्षिव आपको झूला झूलना पसंद है? हर्षिव को झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत। इधर से वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है, देखो कैसे खुश हो रहा है हर्षिव। हाँ बहुत पसंद है आपको, ता 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 ता। तो ऐसे ही गाइस मेरा दिन निकलता है हर्षिव के साथ, पता ही नहीं चलता है कि कब ऐसे दिन निकल जाए और कब लाइक बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, इवन टाइम देखने का भी टाइम नहीं होता है। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, फिर खाना बनाना, क्लीनिंग करनी, ऐसे घर को वो रखना। और अभी मैं थोड़ी सी लाइक आपको अपडेट दूंगी बाद में, लेकिन अभी थोड़ी सी मैं वेट लूज़ की भी ट्राई कर रही हूँ कि मेरा वेट लूज़ हो, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें स्टार्ट की है। गाइस मैंने चने की दाल बनाई है, लाइक जैसी मैंने चाही थी वैसी ही बनी है, जुगल को ऐसी ही पसंद है तो मैंने वैसी ही बनाई है, देखते हैं अभी कैसी बनी है। और गुआर और आलू की सब्जी है, कढ़ी है, और मेरी बाजरे की रोटी है, और उसके साथ ये रागी का पापड़ है जो मैं खा रही हूँ, और थोड़ा सा अचार। तो अभी बजे है 4:30 देखो, और मैं 5 बजे अपना डिनर ले लेती हूँ। तो ये देखिए हर्षिव भाई वापस खाने के लिए बैठ गए हैं। किसके साथ बैठे हो आप? पापा के साथ। पापा के साथ? जब भी पापा आते हैं तो उसको उसके साथ खाना होता है ना? पापा के साथ लाइक करते हो तुम खाना? मतलब उसको कैसा है कि हाँ? जब हम लोग खाना खाना बैठते हैं ना,
तो जब वो सामने होता है तो उसको खाने का मन करता है, हाँ। इसीलिए वो खाने बैठ जाता है, तो उस वो हिसाब से अगर वो खा लेता है तो अच्छा है, उसको ऐसा चाहिए कि जो हम खा रहे हैं वही उसको खाना दे, हाँ। उसका सेपरेट ना हो, हाँ, तो थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग खिलाते हैं ना तो वो, हाँ। हम लोग भी खाते तो उसको भी मन हो जाता है खाने के लिए, तो वो कभी कभार ना खा लेता है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये मैंने खिचड़ी भी बनाई थी लेकिन मैंने नहीं खाई थी, मैंने जुआर की रोटी खाई थी और आम के साथ चुगल खा रहा है और हर्षी को भी खिला रहा हूँ, हर्षी खाना है ना आप, हाँ उसको अच्छा लगा ना। देखो गाइस मुझे अच्छा कितना परेशान करता है खाने के लिए, ठू है ना, हाँ अभी खा लेगा ना, अच्छा बच्चा बन के मम्मा के साथ भी खा लेगा, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, और मस्ती करेगा, नहीं करेगा ना, मस्ती करेगा, हाँ वो तो करेगा, उसमें वो ना नहीं बोलेगा, नहीं करेगा, खाना खा लेगा ना हर्षी, हर्षी खाना खा लेगा, अच्छा बच्चा बनेगा ना। अभी हो गए हैं शाम गाइस और दिन खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट रात हो गई है, 10 बज चुके हैं, 10 बज चुके और हमारे राजा बेटा की तो आई थिंक 1 आवर की नींद भी हो गई, वो 8:30 बजे सो जाता है, तो पहले पहले उसको 8 बजे का था, या 8:30 के बीच में वो सो जाता है, सो जाता है, तो अभी तो उसकी नींद भी आधी हो गई है, जैसे डीप स्लीप में वो चला गया, या और हम बैठे थे अपना थोड़ा सा क्वालिटी उसके साथ खेलते रहते, तो हम लोग टीवी भी नहीं देखते, हम लोग शांति से बैठ भी नहीं सकते, उसके साथ ही खेलते रहते थे, और अभी मैंने बंद कर दिया है टीवी भी और फोन भी साइड में रखवा दिया है, टीवी भी बंद करवा दिया है और लैपटॉप भी छू टच नहीं करने दिया है, इतनी देखो कितनी प्रॉब्लम है बंदे को, इसीलिए तो इतना अत्याचार हो रहा है, अत्याचार नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोग शांति से कुछ टाइम बैठ सकते हैं, और अभी कैसा है कि अभी जल्दी अभी ना बहुत देर तक तुम लोग बाहर भी अगर बैठना चाहो ना तो भी बैठ सकते हो, क्योंकि अभी 9 बजे तक यहाँ पे दिन रहता है, हाँ, अभी वेदर अच्छा है, आज मैंने आपको दिखाया ना कि वेदर काफी अच्छा था, तो अभी लाइक मोस्टली अभी ऐसा ही वेदर एवरीडे के लिए रहेगा, तो बस ऐसे ही दिन हमारा खत्म हो जाता है और आगे आगे मैं दिखाऊंगी, आज तो मैंने कुछ काम नहीं किया, कल मैं करने वाली हूँ सारा काम, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे हर्षी को रखती हूँ और सारा काम मैनेज करती हूँ, घर का भी करना है मुझे। आई होप कि आप लोगों को लाइक अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, तो प्लीज देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे आप सबके लिए, हाँ। ट्राई करेंगे कि मिलते रहेंगे है ना। जो भी नए लोग हैं अगर उनको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ वो लोग चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो बनाए, मैं बनाऊं या रक्षा बनाए, तो प्लीज आप बस हम जो कुछ भी करते हैं ऐसा नहीं प्रिपेयर होकर नहीं बनाते हैं वीडियो, जैसे हम रहते हैं, जैसे नेचुरली हम जिस तरह से हम लाइफ को जी रहे हैं वैसे ही हम आपको बताते हैं कि हम कैसे हमारा रूटीन होता है, हम कैसे लाइक टाइम स्पेंड करते हैं, पूरा दिन कैसे हमारा निकलता है, तो बस जो जो हम करते हैं वही हम शूट करके आप लोगों को दिखाते हैं कि हम इस तरह से करते हैं, ये हमारी नेचुरल लाइफ है, जो आई होप कि आप सबको पसंद आएगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।